भागलपुर में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले अपराधी अंधेरा ढलने के बाद वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन अपराधियों का मनोबल इतना मजबूत हो गया है कि अब वह दिन दहाड़े किसी भी घटना को अंजाम देते दिख रहे हैं। ताजा मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव का है, जहां एक युवक को अपराधियों ने सरेआम चाकू से गला रेत कर मार दिया है। बता दें कि यह सनसनीखेज मामला आज तड़के सुबह का है। मोहम्मद राजा ने अपने पड़ोस के मोहम्मद परवेज को एक धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर युवक को घायल कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया और इलाज के दौरान इसकी मायागंज अस्पताल में मृत्यु हो गई। सूत्रों की माने तो इस युवक का हत्यारा मोहम्मद नौशाद का पुत्र मोहम्मद राजा है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या की खबर के 2 घंटे के अंदर लोदीपुर थाने की पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने युवक के हत्यारे मोहम्मद राजा और उसके पिता मोहम्मद नौशाद को फिल्मी अंदाज में खदेड़ कर दबोच लिया। उसका बाप मैं बोलता हमको फरमाइश करेंगे, हम पैसा लगाएंगे, हम अपने बेटा को छुड़ाएंगे। माँ झगड़ा भी हम लोग से हुआ था घर पे, बोली तो उसकी माँ के जो है ना घुसने नहीं देंगे घर में, लेकिन रात में सुला लिया घर पे। सुलाया तो सुबह में ये कांड हो गया। सुबह में ये गया था एक लड़के को लेके, अपने भांजे को लेके चॉकलेट उकलेट दिलाने के लिए, पीछे से चाकू मार दिया वो गर्दन पे चाकू मार के भाग गया। नौशाद मोहम्मद नौशाद का बेटा है, ठीक है, राजा नाम है उसका। श्रावणी मेला अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और कांवड़िए श्रद्धालुओं का आज गेवी नगरी आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गंगा घाट से लेकर बाबा धाम तक कांवड़ियों की कतार लगी हुई है। लगातार कांवड़िए आज श्रद्धालु गंगा जल भर कर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुंगेर जिले के खड़गपुर मिल्की गांव निवासी दयाशंकर सिंह और उनकी धर्मपत्नी निशा कुमारी अपने पूरे परिवार के साथ अपने पुत्र को सीका बंगी में बैठाकर तीर्थयात्रा करने देवघर के लिए गंगा जल भरकर निकल पड़े हैं। कांवड़िया निशा कुमारी ने बताया कि हमारी शादी वर्ष 1999 में हुई थी। पिछले कई वर्षों से बाबा से वंश मांग रहे थे। शादी के 17 वर्ष बाद 2016 में हमें वंश की प्राप्ति हुई। अब बाबा ने हमारी मनोकामना पूर्ण की है तो हम बाबा के दरबार खुशी खुशी सब परिवार अपने बच्चे का मुंडन संस्कार कराने गंगा जल भर कर पैदल देवघर जा रहे हैं। अब बाबा की नगरी जा रहे हैं। मेरा जब मनोकामना पूर्ण हो गया तो हम सोचे बाबा के नगरी अपना पहली सीका पर दोनों बेटा बेटी को लेके जाए, बाबा बुलाए तो जा रहे हैं। कितने दिन पूर्व जो है कि आपने बाबा से यानी कि पुत्र धन की कामना की? लास्ट हम 2010 में आए यहाँ बाबा, 6 साल लगातार आए, लगातार 6 साल बाबा पूरा किए। अब मुंडन देने जा रहे हैं। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरैनी उत्तरी पंचायत के दीननगर मोहल्ले में देर रात अंधेरे में सोए अवस्था में वृद्ध की अपराधियों द्वारा गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मेरी जानकारी के अनुसार दीननगर मोहल्ले में असलम अपनी झोपड़ी में सोया हुआ था। उनकी बीमार पत्नी बीबी जहाना ने बताया कि मेरे पति और मेरा पोता एक ही झोपड़ी में सोए हुए थे। अचानक पोते को ठंड सा महसूस हुआ तो पोता देखा कि मेरे दादा को खून से लथपथ है। तभी पोता डरा सहमा आवाज में हल्ला कर सभी परिजनों को जगाया। जगह देख के अपराधियों ने धारदार हथियार से पति का गला रेत कर हत्या कर दी है। मृतक अपने पीछे पत्नी और 4 पुत्र एवं 3 पुत्री को छोड़ गए। अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी हत्या 1 बजे रात के आसपास की गई है। सूचना पाकर घटनास्थल पर जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अमित कुमार पहुंचे, जहां छानबीन करने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए JLNMCH भागलपुर भेजा। वहीं हत्या के विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। निर्मम घटना के बाद उनकी बीबी जहाना सदमे में है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हम लोग सोए थे, हम नहीं देखा, हम भी सोए थे और बुढ़ाप हुआ था। जब बुढ़ाप ने जब देखे तो नहा गया, में खत्म। कहीं को किसी से दुश्मनी नहीं बाबू, हम यहाँ पर किसी से दुश्मनी नहीं। वो झगड़ा हो जाए, वो झगड़ा हम करते हैं नहीं, झगड़ा नहीं हम करते ना मेरा बुढ़ापा। बिहार में महागठबंधन के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। इसी क्रम में स्टेशन चौक से राजद कांग्रेस और भाकपा माले सहित अन्य महागठबंधन के दलों के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए समाहरणालय में जाकर समाप्त हुआ। प्रदर्शन कर रहे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र की सरकार महंगाई, बाढ़, सूखा, बेरोजगारी के मुद्दों पर पूरी तरह से विफल हो गई है, जिसको लेकर महागठबंधन के सभी दल लगातार सरकार के विरोध में आंदोलन करते रहेंगे। वहीं राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो भागलपुर से राजद के द्वारा पटना तक पैदल मार्च निकाला जाएगा और सरकार का ध्यान इन सारे मुद्दों पर आकृष्ट कराया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है,
महंगाई चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार बदहाल सड़क पर बहक रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आज महागठबंधन परिवार हम लोग सड़क पर उतरे हैं और ये गुंगी बहरी सरकार यदि इसे नहीं सुनेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। यहाँ से लेकर पटना तक पदयात्रा हम लोगों का करने का कार्यक्रम है। भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व रक्षाबंधन राखी नजदीक है और बहनें अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी कर रही हैं। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी की महिला सदस्य सरहद पर तैनात जवानों के लिए राखी बनाने में जुट गई हैं। देश के लाखों जवान सरहद पर निगरानी कर जहां देशवासियों की सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, वहीं राखी के मौके पर जवान जब घर नहीं आ पाते हैं तो बहनें ही बॉर्डर पर जाकर भाइयों के हाथों में रक्षा की कलाई बांधती हैं। पिछले कई सालों से जीवन जागृति सोसाइटी से जुड़ी महिला राखी अपने से बनाकर बॉर्डर पर जवानों को राखी बांधती हैं। इस बार भी सोसाइटी से जुड़ी महिलाएं भूटान बॉर्डर पर जवानों को राखी बांधेंगी। इसको लेकर राखी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और काफी संख्या में राखी बनाकर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए बॉर्डर पर जाएंगी। बहनों में रक्षाबंधन पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। हम लोग चाहते हैं बॉर्डर पे सैनिक लोगों को राखी बांधने के लिए, बट इस बार हम लोग सोचे कि हम लोग खुद से अपने हाथों से बनाकर राखी सैनिक लोगों को बांधेंगे, इसलिए हम लोग जा रहे भूटान बॉर्डर पर और ये राखी हमारे प्रेम की निशानी होती है। जीवन जागृति लगातार कई वर्षों से बॉर्डर जाकर सैनिकों को रक्षा बांध कर रही है और इस बार जीवन जागृति सोसाइटी की लेडीज सदस्य अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने के लिए भूटान बॉर्डर जा रहे हैं और इसके लिए इस बार ये लोग खुद से अपने से राखी तैयार कर रही हैं, अपने से बना रही हैं। आज बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी कहलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने कहलगांव क्षेत्र का दौरा किया। वहीं कहलगांव में स्थित शांति बाबा पहाड़ बटेश्वर स्थान पर पूजा अर्चना किया। वहीं पूजा अर्चना के बाद भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी बटेश्वर स्थान में हो रहे गंगा आरती में भी शामिल हुए। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के साथ भागलपुर सह बांका के MLC विजय कुमार सिंह, तारपुर के विधायक राजीव कुमार कुशवाह, जदयू प्रदेश महासचिव शुभानंद मुकेश, जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह, उपाध्यक्ष प्रणव कुमार उर्फ पप्पू यादव एवं क्षेत्र के तमाम जदयू नेता भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के साथ मौजूद थे। अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि बटेश्वर स्थान बहुत ही धार्मिक जगह है, इसके साथ साथ पर्यटन का भी केंद्र है। बटेश्वर स्थान को विकसित करने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा और विक्रमशिला खुदाई स्थल को भी विकसित करने का भी प्रयास रहेगा। भागलपुर जिले के ढोलबज्जा थाना क्षेत्र के गरैया गांव में रविवार को भाई भाई में जमीन विवाद के मामले का निपटारा करवाने आज नवगछिया CO विश्वास आनंद, ढोलबज्जा थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार के साथ दल बल और नवगछिया से महिला और पुरुष जवान मिलकर कुल 37 जवान पहुंचे थे, जहां कब्जा जमाए रामानंद शाह का भी सभी सामान हटाकर पिंकू शाह को दखल दिलाया गया। बता दें कि पुलिस बल द्वारा बंटवारे में जितना उसकी रजिस्ट्री की जमीन पिंकू शाह की निकल रही थी, उस जमीन पर बांस बल्ली लगवाकर चिन्हित कर बंटवारा कर दिया गया। दरअसल कई वर्षों से रामानंद शाह और पिंकू शाह के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। ज्ञात हो कि कुल 3 डिसमिल जमीन पिता सत्यनारायण शाह के नाम से थी। सत्यनारायण शाह को 5 पुत्र रामानंद शाह, गणेश शाह, मुरारी शाह, फूलचंद शाह व पिंकू शाह है। उक्त जमीन छोड़कर गणेश शाह लालगंज में, मुरारी व फूलचंद शाह ढोलबज्जा में अलग जगह रह रहे हैं। तीनों भाइयों ने करीब 2-2 लाख रुपए पिंकू शाह के लेकर मां सावित्री देवी के द्वारा 2.4 डिसमिल जमीन पिंकू शाह के नाम रजिस्ट्री करवा दी। जमीन की कुल लंबाई 38 फीट व चौड़ाई मात्र 15 फीट ही है। मां से 3 भाई का हिस्सा लिखवाने व अपना समेत 4 हिस्से पिंकू के द्वारा ले लेने के बाद अब बड़े भाई रामानंद शाह को मात्र 3 फीट की चौड़ाई में जमीन बच पाई है, जहां अब रामानंद शाह बेघर हो गए हैं। छोटे भाई द्वारा बड़े भाई को इस तरह बेघर करना भाई के रिश्ते को शर्मसार कर चुका है, जहां भाई की इस करतूत की चर्चा गांव में बड़े जोर शोर से चल रही है। हथकरघा दिवस के अवसर पर भागलपुर रेशम भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद अजय मंडल के साथ हथकरघा के अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं बुनकरों को सरकार की तरफ से दी जा रही योजनाओं के बारे में भी अधिकारियों ने बताया। 2014 में केंद्र में जब मोदी सरकार आई तो बुनकरों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया गया और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय किया गया। हथकरघा दिवस मनाने के लिए 7 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन का भारत के इतिहास में विशेष महत्व है। उल्लेखनीय है कि घरेलू उत्पादों
और उत्पादन इकाइयों को नया जीवन प्रदान करने के लिए 7 अगस्त 1905 को देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की याद में ही 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने 2015 में हथकरघा दिवस की शुरुआत करते हुए कहा था कि सभी परिवार घर में कम से कम एक खादी और एक हथकरघा का उत्पाद जरूर रखें। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत भवन पुरेनी दक्षिणी में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें पुरेनी उत्तरी एवं पुरेनी दक्षिणी के जनप्रतिनिधि के साथ शांति समिति की बैठक थाने अध्यक्ष अमित कुमार की अध्यक्षता में की गई। शांति समिति की बैठक मुहर्रम को देखते हुए विशेष तौर पर आयोजित की गई, जिसमें पुरेनी दक्षिणी पंचायत के मुखिया मोहम्मद शाहबाज, मोहम्मद फरहान उर्फ छोटू, सरपंच प्रतिनिधि बबलू, पुरेनी उत्तरी के मुखिया प्रतिनिधि आसिम जफर, राजद नेत्री राबिया खातून के साथ साथ पुरेनी उत्तरी एवं दक्षिणी पंचायत के कई जनप्रतिनिधि और सैकड़ों संख्या में समाज सेवी मौजूद थे। बताया गया कि मुहर्रम 9 तारीख को है, लेकिन यहां ताजिया जुलूस 11 तारीख को निकाला जाएगा। वहीं बताते चले कि पुरेनी किला में मुहर्रम के अवसर पर मेला भी लगता है, जिसमें दो गच्छी कुंडी मखना आदि क्षेत्रों को ताजिया लेकर भी लोग यहां पहुंचते हैं। कल सावन के आखिरी सोमवार है, जिसको लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। शहर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय गंगा घाट से हजारों हजार की संख्या में डाक कांवरिया गंगा का जल लेकर बासुकीनाथ धाम और गोड्डा के शिव मंदिर जल चढ़ाने के लिए रवाना हो चुके हैं। रास्ते में शिव भक्तों की सेवा में समाज सेवी सहित आम लोग भी लगे हुए हैं। समाज सेवी विजय यादव के द्वारा शहरी क्षेत्र में जिस रास्ते से डाक कांवरिया गुजर रहे हैं, उस सड़कों पर कारपेट बिछाया गया, जिससे शिव भक्तों को चलने में परेशानी ना हो।